सकते हैं यहाँ पर MRP लिखा है 3999, लेकिन यहाँ पर आपको इतना देना नहीं पड़ेगा। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे दो जैकेट का दोस्तों। एक जो ब्रांड है दोस्तों विराट कोहली का ब्रांड है दोस्तों, WROGN समथिंग, इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं दोस्तों। और दूसरा जो ब्रांड है दोस्तों फ्लाइंग मशीन का ब्रांड है। दोनों जैकेट का दोस्तों अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा फास्ट से एंड तक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जैकेट है और ये पैकेजिंग कुछ पैकेज इस तरह का है दोस्तों। इसको खोल लेते हैं। तो हमने खोल लिया दोस्तों जैकेट, ये रहा हमारा जैकेट दोस्तों। ये जैकेट बहुत ही भारी है और देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। ये रहा हमारा जो विराट कोहली का ब्रांड है दोस्तों WROGN, उसका MRP प्राइस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 3999, लेकिन मुझे इतना देना नहीं पड़ा, लगभग 1500 या 1200 या 1300 करीब करीब देना पड़ा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा स्क्रीन पे कितना इसका प्राइस है। और दोस्तों ये मैंने M साइज़ का ऑर्डर दिया है, तो देख सकते हैं ये एक जैकेट रहा, देख सकते हैं ये हमारा विराट कोहली का ब्रांड का जैकेट। तो इसको खोल लेते हैं। इसका पैकेजिंग ठीक ठाक था, लेकिन फ्लाइंग मशीन का दोस्तों जो पैकेजिंग था वो उतना अच्छा नहीं था। इसको खोल लेते हैं। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का जैकेट है दोस्तों, एक नंबर जैकेट आप बोल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये विंटर में आप आराम से पहन सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है पहन नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों जैकेट है, आप ज़रूर इसे ऑर्डर दे सकते हैं दोस्तों। मैंने जो यहाँ पर ऑर्डर दिया है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर M साइज़ का ऑर्डर दिया है और ऊपर में यहाँ पर ब्रांडिंग भी कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। दिखने में दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन और प्रीमियम क्वालिटी का दिखता है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये जैकेट लग रहा है दोस्तों। नीचे की तरफ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कफिंस दिया गया है और ऊपर की तरफ भी दोस्तों देख सकते हैं रबर वाला स्टिचिंग कॉलर में दिया गया है और हैंड में भी दोस्तों यहाँ पर कफिंग से है और दोनों तरफ दोस्तों। और यहाँ पर भी दोस्तों लेफ्ट साइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं जो स्लीव के ऊपर यहाँ पर एक नन्ना सा छोटा सा एक टिप टॉप बटन के साथ एक पॉकेट दिया गया है और ऊपर में ब्रांडिंग भी लिखा हुआ है विराट कोहली का जो ब्रांड है वॉन्ग क्या बोलते हैं पता नहीं। तो बहुत ही दोस्तों ये बहुत ही क्वालिटी बहुत ही इसका बहुत ही बढ़िया दोस्तों। बाहर से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर का है और अंदर की तरफ देखते हैं दोस्तों, उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों साइड में दोस्तों दो पॉकेट मिल जाता है जो कि टिप टॉप बटन के साथ आता है। और दोस्तों अंदर की साइड येलो कलर का है और पॉकेट दोस्तों इतना डेप्थ नहीं है, लेकिन हाथ ही रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह मुझे नहीं लगता रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैकेट बहुत ही भारी है और आप विंटर में इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा। बहुत भारी है और मोटा कपड़े का है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जैकेट बहुत ही भारी है। अभी इसको खोल के देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड के यहाँ पर तीन होल दिया गया है स्टाइलिंग के लिए, बहुत ही अच्छा है। और चेन में भी दोस्तों यहाँ पर ब्रांडिंग लिखा है जो WROGN करके, और चेन का क्वालिटी भी दोस्तों ठीक ठाक है। अभी इसको खोल लेते हैं। उससे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर MRP लिखा है 3999, लेकिन यहाँ पर आपको इतना देना नहीं पड़ेगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लिंक को चेक करके कितना प्राइस है, लगभग 1200-1300 रुपये में मैंने परचेस किया है M साइज़ का दोस्तों। अंदर की तरफ देख सकते हैं आप येलो कलर का है दोस्तों, देख सकते हैं और देखने में बहुत ही बढ़िया है। और अंदर में दोस्तों पता नहीं, ये बहुत ही मोटा है, आपको ठंडा नहीं लगेगा दोस्तों। इसका क्वालिटी ठीक ठाक है दोस्तों, अंदर की तरफ भी आप पॉकेट देख सकते हैं। और दोस्तों ये ज़रूर आप ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब आप विंटर का सीज़न में आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ठंडा नहीं लगेगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया जैकेट आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर दोस्तों पहन के इसको देखते हैं कैसा लगता है लुक वाइज, तो अभी आपको पहन के देखेंगे भी ये कैसा दिखता है। तो अभी ये ऑर्डर देना चाहते हैं तो ऑर्डर दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का और विंटर सीजन में आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जैकेट है दोस्तों। जैकेट में दोस्तों देख सकते हैं ये रहा हमारा दूसरा जैकेट जो कि डायरेक्ट मतलब ट्रांसपेरेंट पैकेट में आ गया है, यहाँ पर आप फार भी दिया है देखो, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसको खोल लेते हैं। ये डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट पैकेट में दोस्तों आया है, इसका कोई अलग से मतलब पैकेजिंग किया नहीं। तो इसका जो देख सकते हैं दोस्तों फ्लाइंग मशीन का जो दोस्तों जैकेट आया है वो मतलब बहुत ही गंदा पैकेजिंग में आया है ये, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जैकेट, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन दोस्तों इस जैकेट पर में बहुत ही बढ़िया है, आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं दोस्तों ये जैकेट। दोस्तों ये इसका जैकेट का जो मटेरियल है दोस्तों, ये इसका ये नायलॉन से बना है दोस्तों, नायलॉन से दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया जैकेट है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसका, मतलब कोई डस्ट, ये डस्ट प्रूफ है दोस्तों, कोई डस्ट भी इस पर रहेगा नहीं, आप ऐसे मतलब हाथ लगाएंगे तो गिर जाएगा दोस्तों। देखने में दोस्तों बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, देख सकते हैं सामने की तरफ आपको यहाँ पर चेन दिया गया है दोस्तों, चेन का यूज़ किया गया और चेन का क्वालिटी भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर राइट और लेफ्ट साइड के यहाँ पर आपको पॉकेट, दो पॉकेट मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर भी चेन का यूज़ किया गया है दोस्तों। और पॉकेट की जो डेप्थ है दोस्तों वो भी ठीक ठाक है, मतलब आप एक मोबाइल तो आराम से रख ही सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों में दोस्तों देख सकते हैं अंदर में भी आपको एक पॉकेट मिल जाता है और ये
जैकेट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। अंदर का पॉकेट का डेप्थ भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, देख सकते हैं ये पूरा मतलब लाइनोन से बना है दोस्तों। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाइंग मशीन दोस्तों, आपका ब्रांडिंग यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। मैंने जो ऑर्डर दिया है वो ये लार्ज साइज़ का ऑर्डर दिया है, और मेरा बॉडी के हिसाब से ये पूरा फिटिंग आएगा दोस्तों, देख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड के साइड के ऊपर दोस्तों यहाँ पर चेन के साथ एक अच्छा सा नन्ना सा एक पॉकेट दिया गया है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। और देख सकते हैं हैंड में नीचे की तरफ दोस्तों, हैंड के ऊपर यहाँ पर कफिन्स दिया गया है दोनों तरफ दोस्तों, और नीचे की तरफ भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कफिन्स दिया गया है। और ऊपर में भी दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर जो रबर का वो स्ट्रेचेबल जो कॉलर के लिए वो दिया गया है। लुक वाइज दोस्तों ये ब्लैक कलर का है और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आप परचेज़ ज़रूर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, देखने में पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और लुक वाइज भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा, दोनों जैकेट का मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके बता दिया है। तो इन दोनों में से दोस्तों आपको कौन सा जैकेट अच्छा लगा है आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और कॉमेंट में अपनी राय मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर ज़रूर दोस्तों लाइक कीजिएगा। तो इन दोनों में से अगर आपको परचेज कोई भी जैकेट परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में। और दोस्तों आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे रोज वीडियो डालता रहूंगा दोस्तों, एक के बाद एक। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, धन्यवाद।